क्योंकि हम एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री चैनल चलाते हैं, इसीलिए हम मोस्टली मर्डर से ही डील करते हैं। लेकिन आज का मर्डर थोड़ा अलग है। घर में जबरदस्ती किसी ने घुसने की कोशिश नहीं करी है। घर के खिड़की दरवाजे भी अंदर से बंद हैं। इसका मतलब जबरदस्ती कोई घर से बाहर भी नहीं गया है। लेकिन पुलिस को घर में से एक लाश मिलती है, तो आखिर किलर गया तो गया कहाँ पे? अब सवाल ये आता है कि ये किसी इंसान का काम है या किसी, चलिए आइए पता लगाते हैं। लेकिन इससे पहले, जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। आज की कहानी हमें लेके चलती है डेनवर में। डेनवर कोलोराडो स्टेट की कैपिटल है। डेनवर बहुत ही पुरानी अमेरिकन डेवलप्ड सिटीज में से एक है। डेनवर अपने 19th सेंचुरी स्ट्रक्चर्स के लिए फेमस है। यहाँ तक कि डेनवर के म्यूजियम अपने आर्टवर्क के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये शहर एक टाइटैनिक के फेमस सर्वाइवर जिनका नाम मॉली ब्राउन है, उनका घर भी है। और तो और, डेनवर अपनी स्काई रिजॉर्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है फिलिप पीटर से, जिनका जन्म साल 1869 में हुआ था। जिनकी शादी हुई थी हेलेन पीटर से और उनका जन्म हुआ था साल 1872 में। अब हम आते हैं साल 1941 में, जहाँ पे ये दोनों एक साथ एक मीडियम साइज घर में रहते हैं, जो कि बसा हुआ है 3335 वेस्ट मॉनक्रीफ प्लेस डेनवर में। और पिछले 4 दशकों से ये कपल यहीं बसा हुआ है। फिलिप पीटर पहले डेनवर एनरियो ग्रैंड रेलवे स्टेशन पे ऑडिटर का काम करते थे। फिलिप ने वहाँ पे साल 1891 से लेके साल 1930 तक काम किया था। फिलिप और हेलेन का एक बेटा भी था, जिसका नाम फिलिप पीटर जूनियर था, जिनकी शादी भी हो रखी थी और वो ग्रैंड जंक्शन कोलोराडो में रहते थे। हेलेन और पीटर को म्यूजिक का बहुत शौक था, यहाँ तक कि फिलिप मैंडोलिन भी बजाया करते थे और वो लोकल डेनवर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी थे, जो कि गिटारिस्ट और मैंडोलिनिस्ट के स्मॉल कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज करवाती थी। और तो और, वो सब लोग एक साथ प्रैक्टिस भी करते थे। अब आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि फिलिप और हेलेन म्यूजिक से भरी हुई बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे थे। साल 1941 के सितंबर को हेलेन ने अपने हिप बोन को फ्रैक्चर कर लिया था और इसकी वजह से वो हॉस्पिटल में ही थी। अब 71 साल के फिलिप घर पर अकेले रहते थे और वो अपनी बीवी से मिलने हॉस्पिटल रोज जाया करते थे। उनके पड़ोसी फिलिप का बहुत ध्यान रखते थे और अक्सर वो लोग उनको ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए अपने घर पे इनवाइट किया करते थे। और उन्हीं में से एक पड़ोसी थे मिस्टर एंड मिसेस रॉस, जो कि उनके घर के सामने ही रहा करते थे। अब 17 अक्टूबर को इस कपल ने पीटर को जॉवर्ड के अवसर पर अपने घर पे खाने के लिए बुलाया था और वहां पे आने के लिए पीटर थोड़ा लेट हो जाते हैं, जो कि मिस्टर एंड मिसेस रॉस को थोड़ा अजीब लगता है। अब सब कुछ सही है या नहीं ये चेक करने के लिए मिसेस रॉस उनके घर पे चली जाती हैं। जब वो घर के फ्रंट डोर पे पहुंचती हैं, तब वो ये देखती हैं कि घर की सारी लाइटें बंद हैं और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। वो दरवाजे पर नॉक भी करती हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी वहां से उन्हीं के एक पड़ोसी जिनका नाम डोरिस बर्क था, वहां से वो गुजर रहे होते हैं। मिसेस रॉस उनकी हेल्प लेती हैं और वो दोनों घर के पीछे जाते हैं और पोर्च पे चढ़कर जैसे तैसे वो दोनों घर के पीछे वाले दरवाजे से घर के अंदर पहुंचते हैं। और जब मिसेस रॉस ने किचन की लाइट जलाई तो वहां का सीन देखकर उनके होश उड़ गए। वहां पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। खून के छींटे हॉलवे के दीवारों पर भी थे। और जब वो हॉलवे से होते हुए बेडरूम में गई, वहां पे फिलिप पीटर की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद बिना किसी देरी के उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया और थोड़ी ही देर में कैप्टन जेम्स चिल्डर्स अपने कलीग के साथ वहां पे पहुंचते हैं। उन्होंने वहां की इनिशियल इंस्पेक्शन स्टार्ट करी। फिलिप पीटर को पूरे 37 बार किसी नुकीले अवजार से मारा गया था। फ्लोर पर उनके चलने वाली छड़ी भी पड़ी हुई थी, जो कि बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी। इसके साथ साथ उनके शरीर पर कुछ ऐसे जख्म थे जो कि ये बताते थे कि फिलिप पीटर ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करी थी। लेकिन पुलिस को वहां से कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। लेकिन क्राइम सीन पर पुलिस को एक चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी कि
कि आखिर वो किलर घर के अंदर आया तो आया कैसे, क्योंकि घर के सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे और किसी को भी देखकर ये नहीं लग रहा था कि वहां किसी ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश करी थी। पड़ोसी भी पीछे वाला दरवाजा तोड़कर ही घर के अंदर घुसे थे। अब अगर वो किलर फिलिप की मर्जी से घर के अंदर आया होगा तो उनको मारने के बाद वो गया कैसे होगा, क्योंकि सारी चीजें तो अंदर से बंद थी। इसके बाद पुलिस को कपबोर्ड वाली दीवार के पास 8x15 का एक फॉल्ट पैनल मिलता है जो कि ऊपर वाले स्टोरेज रूम में जा रहा होता है। पुलिस ने उसको खोलने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं खुलता है। अब क्योंकि वो पैनल इतना छोटा था कि उसमें से कोई ऊपर नहीं जा सकता था, इसीलिए पुलिस ने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो आगे की इन्वेस्टिगेशन में लग गए। फिर पुलिस को किचन में से एक छोटी सी हैंडगन के टुकड़े मिले थे। उसके साथ वहां पे एक कास्ट आयरन स्टोव शेकर मिला था जो कि किचन में रेगुलर यूज होने वाली चीज नहीं थी। पुलिस ने उसको प्राइमरी मर्डर वेपन समझा और लेबोरेटरी भेज दिया ताकि कुछ और एविडेंस मिल सके। इनिशियली पुलिस ने यह समझा कि वो मर्डर एक रॉबरी के लिए हुआ था, लेकिन उन्हें लगभग $200 का सामान वहां से मिलता है। उसके साथ साथ करीबन $25 कैश उन्हें बेडरूम में से मिलते हैं जो ये दर्शाती थी कि वो मर्डर रॉबरी के लिए नहीं हुआ था। फिर पुलिस ने यह सोचा कि शायद वो मर्डर किसी तरह की दुश्मनी या बदले के लिए हुआ होगा, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि फिलिप बहुत अच्छे इंसान थे और उनका कोई भी दुश्मन नहीं था। मर्डर के 3 दिन बाद यानी 20 नवंबर तक पुलिस ने कुछ आदमियों को कस्टडी में लिया था, लेकिन कोई भी एक अच्छे सस्पेक्ट की तरह नहीं लग रहे थे। वेल्ड काउंटी शेरिफ गस एंडरसन ने एक आदमी को हिरासत में लिया था क्योंकि उसने एक ऐसी हाई क्वालिटी जैकेट पहनी हुई थी जो कि उसके औकात से बहुत ज्यादा ऊपर लग रही थी। उस आदमी का कुछ पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, लेकिन उस आदमी की एज लगभग 64 साल थी। वो बहुत ही छोटा सा नाटा सा आदमी था। ऐसे में उसका पीटर पर अटैक करना बहुत अजीब था, इसीलिए कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने उसे रिलीज कर दिया। पुलिस ने एक और आदमी को पकड़ा था जो कि लोगों से घर घर जाकर पैसे और खाना मांगता था और ना देने पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था, लेकिन अच्छा सस्पेक्ट ना होने की वजह से पुलिस ने इसको भी रिलीज कर दिया। और इसके बाद पुलिस को आदमी उस इलाके में कभी भी नहीं दिखा था। दूसरी तरफ उस स्टोव शेकर से कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ ब्लड के स्पॉट्स मिलते हैं जिससे ये तो पता चल गया कि वही मर्डर वेपन था। लेकिन मीडिया में ये यूमर उड़ रहा था कि वो मर्डर एक रॉबरी के लिए हुआ था। इस पर कैप्टन चिल्डर्स ने प्रेस में आकर ये बताया कि उस किलर ने मर्डर करने के बाद उस वेपन को अच्छे से धोया, जो ये दर्शाता है कि उसके पास बहुत ज्यादा टाइम था। इसके बावजूद घर से बहुत ज्यादा कैश और वैल्यूएबल आइटम्स मिलते हैं। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि वहां पे कोई भी रॉबरी नहीं हुई थी। अब साल 1941 खत्म होकर 1942 आ जाता है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास कोई भी लीड नहीं थी। इसके बाद 1 फरवरी साल 1942 को हेलेन पीटर अपने घर पर हॉस्पिटल से वापस आ जाती हैं। अब वो 68 वर्षीय महिला अपने घर पर अकेली थी और वो टूटी हुई हड्डी से रिकवर कर रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अपनी मदद करने के लिए उन्होंने 2 नर्सेस को हायर कर लिया था। उन दोनों का नाम था मिसेस एडिथ क्लार्क और मिसेस हैटी जॉनसन। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ही हफ्तों बाद हेलेन फिर से गिर जाती हैं और उनकी हड्डी टूट जाती है और एक बार फिर से वो हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं। लेकिन अप्रैल में वो वापस अपने घर आ जाती हैं और वो 2 नर्सेस अभी भी उन्हें असिस्ट कर रही थी। और अब यहाँ से घर में कुछ भयानक चीजें होना शुरू हो जाती हैं। नर्स एडिथ क्लार्क ने यह बताया कि उन्होंने दीवारों में से कुछ आवाजें सुनी और घर के खाली कमरों में से उन्होंने किसी की चलने की आवाजें सुनी थी। यहाँ तक कि घर के पोर्च से न्यूज़पेपर भी रेगुलरली गायब हो रहे थे और तो और घर का सामान भी इधर उधर हो रहा था। सिर्फ एडिथ क्लार्क ने ही आवाजें नहीं सुनी थी, हेलेन पीटर को तो सुनने में दिक्कत थी, लेकिन हैटी जॉनसन ने भी ऐसी आवाजें कई बार सुनी थी। लेकिन एक दिन एडिथ क्लार्क ने सीढ़ियों पर एक आदमी को देखा और उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। उन्होंने ये बताया कि वो किचन में खाना लेने गई थी और जब वो वापस आ रही थी तो उन्होंने ऊपर वाले सीढ़ियों का दरवाजा खुलते हुए देखा। उसके साथ साथ वहां पे उन्होंने एक पतला सा हाथ
और पैर निकलते हुए देखा था, और जैसे ही वो चिल्लाई वो वहां से गायब हो गए। पुलिस ने उस घर की अच्छे से तलाशी ली लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। इतना ही नहीं, वो दो दिन तक उस घर में भी रुके लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद एडिथ क्लार्क ने अपनी नौकरी छोड़ दी, और महज दो हफ्ते बाद हैटी जॉनसन ने भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने प्रेस को यह बताया कि वो उस भूतिया घर में नहीं रहना चाहती थी। उसी साल के मई में मिसेस पीटर के बेटे फिलिप जूनियर भी वहां पे आते हैं, और ये कन्विंस करने लगते हैं कि हेलेन को उनके साथ ग्रैंड जंक्शन चल देना चाहिए। शुरुआत में तो हेलेन इस चीज के लिए नहीं मानती है, लेकिन नर्सेस के जाने के बाद उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए जून में वो अपने बेटे और बहू के साथ उनके घर पे शिफ्ट हो जाती हैं। वो घर की यूटिलिटीज को बंद कर देती हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना घर पुलिस के हवाले कर देती हैं। लेकिन अभी भी उस घर में वो अजीब सी घटनाएं होना बंद नहीं होती हैं। पड़ोसियों ने बताया कि घर की खिड़कियां अक्सर हिलती डुलती रहती हैं, कभी वो खुल जाती हैं तो कभी वो बंद हो जाती हैं। यहां तक कि पड़ोसियों ने कई बार एक साए को भी घर में चलते हुए देखा था। पुलिस ने नेबरों की हर कंप्लेन पे आकर उस घर को अच्छे से तलाशा लेकिन कभी भी उनको कोई चीज नहीं मिलती है। यहां तक कि एक बार दो पुलिस ऑफिसर लगातार 5 दिनों तक घर के बाहर थे लेकिन कोई भी हरकत नहीं होती। कंप्लेन हो या ना हो, हेलेन पीटर के जाने के बाद पुलिस अक्सर ही रूटीन पेट्रोल चेकअप के लिए आती है लेकिन घर से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। प्रेस वालों ने उस घर को द घोस्ट हाउस ऑफ डेनवर का नाम देना शुरू कर दिया था। इसका इफेक्ट लोगों के ऊपर भी पड़ता है। अब पीटर्स का घर एक भूतिया घर बन चुका था, लेकिन पुलिस इसको अलग तरीके से देख रही थी। उनका ये मानना था कि न्यूज वाले सिर्फ अपनी कहानी को बेचने के लिए ऐसे यूमर्स फैला रहे थे, लेकिन वो किलर किसी भूत से कम नहीं था। किसी ने उसको न देखा था न ही सुना था। आखिर बंद दरवाजे के अंदर पीटर की मौत हुई तो हुई कैसे? पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें कोई भी लीड नहीं मिल रहा था, और इसी वजह से ये केस एकदम ठंडा पड़ रहा था। लेकिन अब सवाल तो वहीं का वहीं है कि क्या ये मर्डर किसी इंसान ने किया था या किसी भूत ने? खैर, इसका पता चलेगा आपको एपिसोड 2 में। खैर, आपका क्या मानना है कि क्या ये मर्डर किसी भूत ने किया था या किसी इंसान ने? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एपिसोड 2 मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ आपको यूज करना है। और मैं तो यहीं पे हूँ, और ऐसे ही बेहतरीन केसेस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।